हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे, एक ऐसे डिजास्टर के बारे में बात करेंगे जिसने स्टूडेंट्स पूरी कंट्री को एक शॉक दिया। हम असल में स्टूडेंट्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे, रिसेंटली उड़ीसा में ये जो एक ट्रेन डिजास्टर हुआ, ठीक है, तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे डिजास्टर इन उड़ीसा, वट लेड टू डिजास्टर, ये हुआ कैसे। इंडियन रेलवेज आज के टाइम पे इतनी सारी टेक्नोलॉजीज पे काम कर रही है, इतना सारा बजट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है, इतनी सारी नई चीज़ें, वंदे भारत एक्सप्रेस, बुलेट ट्रेन, इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। और इन ट्रेन्स की स्पीड अगर आप वंदे भारत और बुलेट ट्रेन के मुकाबले देखो तो बहुत ज़्यादा नहीं थी, अबव 100 थी पर बहुत ज़्यादा नहीं थी। डिजास्टर सुनस आप देख सकते हो, जब मेटल, इतनी बड़ी बड़ी मेटल की कोचेस इस तरह से डिस्ट्रॉयड है, तो स्टूडेंट्स ह्यूमन बॉडीज़ का यहाँ पर क्या हाल हुआ होगा आप बिल्कुल समझ सकते हो। तो हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या। तो डिजास्टर इन उड़ीसा, व्हाट लेड टू दिस एक्सीडेंट, ठीक है। तो कोरोमंडल एक्सप्रेस डी रेल्स, अगर आप इस इमेज को देख पाओ ना स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा आपको यहाँ से एक चीज़ समझ में लगेगी, ये जो ट्रेन है ना, इस ट्रेन को सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ है। ये ट्रेन ने हिट किया इस ट्रेन को, तो ये दो अलग अलग ट्रेन हैं। इस ट्रेन ने हिट किया इस ट्रेन को जो कि है एक गुड्स ट्रेन, और ये थी एक पैसेंजर ट्रेन। पर हमने तो यहाँ पर तीन ट्रेन की बात सुनी थी, थर्ड ट्रेन जो थी ना स्टूडेंट्स, उसका इस एक्सीडेंट से कुछ ज़्यादा लेना देना था, वो तो इस रूट पर अपना उधर को जा रही थी। पर यह एक्सीडेंट इतना भयानक था, कोरोमंडल एक्सप्रेस की जो कोचेस थे वो इस तरह से डीरेल होने शुरू हुए, इधर उधर गिरने शुरू हुए, कि थर्ड ट्रेन भी इस एक्सीडेंट के क्या बोले, इस एक्सीडेंट की चपेट में आ गई, इस एक्सीडेंट की इन्वॉल्वमेंट में वो भी यहाँ पर फंस गई, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखो, मैं आपको समझाता हूँ सिर्फ इसलिए ताकि आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि एग्जैक्टली हुआ क्या। इस टॉपिक पे एग्जामिनर आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा ना, तो डायरेक्टली एक्सीडेंट के बारे में नहीं, हो सकता है कवच के बारे में पूछे जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो अगर हम यहां पर देखें, एक डेवास्टेटिंग ट्रेन एक्सीडेंट हुआ उड़ीसा में, ट्रिपल ट्रेन, तीन ट्रेन का यहां डिजास्टर हुआ, और डेथ टोल जो एक टाइम पे 288 पे था पर बाद में उसको 275 पे रखा गया है। 4 जून से डेथ टोल 275 है, उससे पहले 288 भी था पर उसके बाद इसको अपडेट किया गया 275, ठीक है। और इंजर्ड का नंबर बहुत ज्यादा है, अब धीरे धीरे जो लोगों की इंजरी ठीक हो रही है या फिर जो अब घर जा सकते हैं उनको घर भेजा जा रहा है, ठीक है। ठीक है, अब हुआ यहां पर क्या, द एक्सीडेंट अनफोल्डेड व्हेन द बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो कि असल में जा रही थी टूवर्ड्स हावड़ा, वो इन दोनों ट्रेन, मतलब हुआ क्या कि एक मालगाड़ी में कोरोमंडल एक्सप्रेस ने हिट किया और उसमें आके साइड से निकल रही थी हावड़ा सुपरफास्ट हावड़ा एक्सप्रेस, वो भी इन्वॉल्व होगी। ऐसे आपको स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से नहीं समझ में लगेगा, सबसे बेस्ट तरीका है थोड़ा सा हम यहां पर चलते हैं एक पिक्चर की तरफ, एक थोड़ा सा आपको एक आइडिया देने के लिए, समझाने के लिए। तो अगर आप यहां पर देखो ध्यान से, ये है मेन लाइन जिस पे कोरोमंडल एक्सप्रेस को रहना चाहिए था, पर स्टेशन के पास एक लूप लाइन भी होती है, तो जो ट्रेन ने स्टेशन के, मतलब आप समझो ये पटरी है, ये इस तरफ की, इस तरफ की, ये रेलवे स्टेशन है और रेलवे स्टेशन का कुछ पार्ट इस तरफ है, तो एक लूप लाइन बनाई जाती है ताकि जिन ट्रेन ने स्टेशन पे आना है पैसेंजर्स को उठाने के लिए, पैसेंजर्स को छोड़ने के लिए, वो लूप लाइन पे आ जाए, ऐसे एक लूप लाइन यहाँ पर भी होगी। अब ये जो ट्रेन थी ना स्टूडेंट्स कोरोमंडल एक्सप्रेस, इसको रहना चाहिए था मेन लाइन पे, पर ये आ गई लूप लाइन पे, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम हो गई। ट्रेन को ऐसे जाना चाहिए था, ट्रेन यहाँ से यहाँ जो आई ना, यही एग्जैक्ट वो जगह है जहाँ पर ये पूरा डिजास्टर शुरू हुआ। जब ये लूप लाइन पे आ गई, यहाँ पर पहले से गुड्स ट्रेन खड़ी थी और इस गुड्स ट्रेन में हिट किया इस पैसेंजर ट्रेन ने। गुड्स ट्रेन का वेट, इसका मोमेंटम इतना ज़्यादा था, ये तो अपनी ट्रैक से ज़्यादा हिली भी नहीं, और सारा इम्पैक्ट, सोचो ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर की आर पर स्पीड पे थी ये कोरोमंडल एक्सप्रेस, सारा इम्पैक्ट किस पे पड़ा, इसी ट्रेन पे। और उसके बाद जो स्टूडेंट्स हमने फोटोज देखी कि जो कोरोमंडल एक्सप्रेस थी जिसने जाके हिट किया इस गुड्स ट्रेन में, स्टूडेंट्स अगर हमने उसकी जो फोटोज देखी, फोटोज यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी। इतना स्ट्रॉन्ग मेटल से बने हुए कोचेज यहाँ पर आप देख सकते हो कितने बुरे तरह से डिस्ट्रॉय है, क्योंकि सारा मोमेंटम जो था वो इस ट्रेन के डब्बों में, और आपको पता है कि ट्रेन के जो वेरियस कोचेज है वो बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक से नहीं जुड़े होते, ठीक है, वो काफ़ी, मतलब ट्रेन के मुकाबले तो वीक से ही लिंक होता है,
वो सब लिंक्स टूटने शुरू हुए और डैमेज आप देख सकते हो कितना ज्यादा यहाँ पर भयंकर था। ठीक है, तो आई होप आप थोड़ा सा समझ पाए। तो शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरमंडल एक्सप्रेस जो असल में जा रही थी टुवर्ड्स चेन्नई, तो एक डायरेक्शन है चेन्नई की तरफ, एक डायरेक्शन है हावड़ा की तरफ। एक्सीडेंट असल में चेन्नई की डायरेक्शन में हुआ, कोरमंडल एक्सप्रेस ने गुड्स ट्रेन में जाके हिट किया, पर ये जो हावड़ा की तरफ जा रही थी वो भी इसमें आप कह लो डैमेज हो गई। ठीक है, ठीक है, ये जो ट्रिपल ट्रेन क्रैश हुआ ये हुआ नियर बहंगा बाजार स्टेशन इन बालासोर। तो उड़ीसा की बालासोर डिस्ट्रिक्ट में असल में सब कुछ हुआ। ये 250 किलोमीटर है फ्रॉम कोलकाता, 170 किलोमीटर है फ्रॉम भुवनेश्वर, कैपिटल ऑफ उड़ीसा। ठीक है, ठीक है, और ये हुआ शाम के ऑलमोस्ट 7 बजे के आसपास। ये मैंने आपको सब कुछ समझा दिया कि असल में हुआ क्या। कोरमंडल एक्सप्रेस जिसको ऐसे जाना चाहिए था वो इस ट्रैक पे चले गए। अब देखो यहां ना ये जो ट्रेन का रूट चेंज हुआ, रेलवे के हिसाब से ये रूट सिस्टम चेंज कर ही नहीं सकता। यहां किसी ने तो टैम्परिंग करी है, किसी ने तो सिस्टम को बदलने की कोशिश करी है, इसीलिए रेलवे ने सीबीआई इंक्वायरी मांगी यहां पर। आई होप आप समझे कि रेलवे ने सीबीआई इंक्वायरी मांगी क्यों है, कि ये ट्रेन जिसको यहां जाना था यहां कैसे आ गई। लूप लाइन पे तो ट्रेन इतनी स्पीड में आती नहीं, क्योंकि लूप लाइन पे आ रही है, मतलब उसको स्टेशन पे रुकना है, तो ये कैसे हो गया, ये यहां पर सोचने वाली बात है। जब ये बजे इस गुड्स ट्रेन में ये डीरेलमेंट शुरू हुई और कुछ डब्बे चले गए ये जो हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस की रूट पे थी, और उसकी वजह से ये भी डैमेज हो गई। आई होप आप इस चीज को अच्छे से यहां पर समझ पाए। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, और यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं। तो अगर आप देखो कुछ उड़ीसा के जो चीफ सेक्रेटरी प्रदीप जैना, उन्होंने बताया डेथ टोल है 275, नॉट 288। पहले ये 288 तक भी चला गया था, हर जगह 288 रिपोर्ट किया गया था, पर बाद में उन्होंने इसको अपडेट किया। पर इंजर्ड अभी भी बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है, वैसे भगवान करे नंबर ना बढ़े, पर इंजर्ड अभी भी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का, कुछ स्टेट्स की सरकारें भी इस नंबर के ऊपर सवाल उठा रही है कि नंबर ज्यादा है, बताया नहीं जा रहा। अब देखते हैं वो स्टूडेंट्स, वो तो बाद में पता लगेगा कि ऐसा कुछ है या नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, अब ना सारी गलती निकाली जा रही है। डाउनलाइन ट्रैक असल में ना, ये बोले जो डाउनलाइन में एक इलेक्ट्रॉनिक इंटरचेंजर था ना, वो मतलब उसमें गड़बड़ी हुई है। पर ये चीज भी साथ में बोली जा रही है कि जो इंटरचेंज करने वाला इक्विपमेंट था वो खुद से ऐसा कर नहीं सकता, इसीलिए सीबीआई को बुलाया गया कि पता लगाओ, खुद से तो ये कर ही नहीं सकता, तो किया किसने यहां पर। ठीक है, आई होप आप इस बात को समझ पाए। और आप देख सकते हो रेलवेज ने रिकमेंड किया सीबीआई को ये केस, मतलब ऑफिशियली तो मिल ही चुका है। अब सीबीएसई की जो सारी इंक्वायरी वगैरह वो यहां पर शुरू कर चुकी है। ठीक है, अब बस एक बस उन ये देखो कि कितना भयानक एक्सीडेंट होगा, किस तरह से इतने हैवी मेटल के पीसेस दूर जाके गिरे हैं, पूरे टूट चुके हैं। ठीक है, तो ये मतलब सिर्फ समझने की बात है कि इतना स्ट्रांग हम लोग यहां मेटल यूज करते हैं और उसका क्या हाल हो चुका है। अब यहां बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कवच कहां गया। देखो कवच बिल्कुल हमारा खुद डिजाइन किया गया, एक ट्रेन कोलिजन एंटी कोलिजन सिस्टम है, बहुत अच्छे से काम करता है कवच। पहली बात, कवच हमने बनाया तो, पर कंट्री में 90% ट्रैक्स पे तो कवच अभी इंप्लीमेंट ही नहीं है, क्योंकि कवच की इंप्लीमेंटेशन रेलवे लाइंस पे भी करनी है, स्टेशंस पे भी करनी है, जो रेल और रोड के क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं वहां भी करनी है, ट्रेन्स के अंदर भी करना है। इतना सारा इक्विपमेंट लगेगा तो खर्चा बहुत ज्यादा आएगा। अभी तक तो कवच बहुत ही लिमिटेड ट्रैक्स पे लगा हुआ है। इस ट्रैक पे ये जो सारा ट्रैक था ना स्टूडेंट्स, यहां पर असल में कवच लगा ही नहीं हुआ था, पर अगर लगा होता, अगर स्टूडेंट्स कवच होता भी इस ट्रैक पे, तो भी ये पहले वाला जो एक्सीडेंट था ये कवच ना रोक पाता, क्योंकि कवच के हिसाब से तो ये ट्रेन ने सीधा जाना था। अभी एकदम से लूप लाइन पे चले गई, अगर उस टाइम पे ब्रेकिंग लगती भी, कवच रोक भी देता ट्रेन को, कुछ नहीं होता, फिर भी एक्सीडेंट हो जाता। ये चीज है कि जब ये डीरेलमेंट हो रही थी, हो सक रहा था ये कवच अगर होता तो ये हावड़ा सुपरफास्ट ट्रेन को पहले रोक देता, ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी थी। पर ये वाला जो एक्सीडेंट था स्टूडेंट्स, ये तो होना ही होना था, चाहे कवच लगा भी होता, क्योंकि कवच क्या करता है, वो बहुत सारा डाटा देखता है, सैटेलाइट से भी जुड़ा होता है, और अगर ट्रेन्स एक ही ट्रैक पे आ गई, आमने सामने आ गई, या एक के पीछे एक आ गई, वो रोक देता है उनको वहीं पर। ये कवच सिस्टम का हमको एक फायदा मिलता है। अब रेलवेज बिल्कुल कोशिश करेगी जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा ट्रैक पे हम इस कवच सिस्टम को लगाएं और इंश्योर करें रेलवेज की सेफ्टी, ट्रैक्स की सेफ्टी, पैसेंजर्स की सेफ्टी। अगर हम स्टूडेंट्स डिस्कस करें, दुनिया में ऐसा नहीं है कि रेल एक्सीडेंट्स सिर्फ इंडिया में होते हैं और कहीं नहीं होते, बाकी दुनिया में भी होते हैं, पर बहुत सारी कंट्रीज ने अपने सेफ्टी सिस्टम्स लगाए, एंटी कोलिजन सिस्टम्स लगाए, ट्रैक की कंडीशन अच्छी करी है। हम भी कर रहे हैं, पर क्योंकि हम इतनी कॉम्प्लेक्स कंट्री, इतनी बड़ी कंट्री, सोचो रोज
1.5 करोड़ के आसपास लोग रेलवे से ट्रैवल करते हैं। हमारे अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो स्टूडेंट्स, हम आप बस ये मान लो कि इस पूरे प्रोसेस को, ये अपग्रेड करने को प्रोसेस को इतना तेज़ी से नहीं कर पा रहे, थोड़ा सा डिले हो गया, उसकी वजह से इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ। अगर रिसेंट में देखें तो स्टूडेंट्स, बड़े एक्सीडेंट्स हमने बहुत सारे देखे। जब अमृतसर में ट्रैक पे बहुत सारे लोग थे, ट्रेन निकल गई, उसमें तो चलो कोई इक्विपमेंट फेलियर कुछ नहीं हुआ था। फिर हम बात करें तो इंदौर पटना में नवंबर में एक्सीडेंट हुआ था 2016 में, यूपी में जुलाई में, मतलब इन सब में आपको देखेगा कि, मतलब मैं आपको सिर्फ ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर एक हिस्ट्री है, रेलवे में एक्सीडेंट्स हुए हैं। पर अगर आप वर्ल्ड में जाओगे तो स्टूडेंट्स सोचो, एथेंस में एक्सीडेंट हुआ, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में हुआ, ठीक है, पाकिस्तान में हुआ, ताइवान में हुआ, तो ये एक ऐसी चीज़ है दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज अभी भी इससे इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रही हैं। इंडिया के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट इससे बन जाता है, क्योंकि हम एक तो रेलवेज पे इन्वेस्ट बहुत करें और बहुत सारे लोग रेलवेज के थ्रू ट्रैवल करते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आप इस पूरी चीज़ को अच्छे से समझ पाए, जो जो डिटेल्स थी वो भी आप यहाँ पर समझ पाए, और आई होप आपको ये क्लास और ये जो पूरा टॉपिक था समझने में थोड़ा मैं आपको मदद कर पाया। मिलेंगे स्टूडेंट्स अपनी ऐसे ही और वीडियोज़ के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।